कंजा बासुदा से 26 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत दाऊद बासुदा के आदिवासी टपरों के ग्रामीण पिछले 4 साल से एक तालाब का रुका हुआ गंदा पानी पीने को मजबूर थे और अपनी जिंदगी के दिन काट रहे थे। उसी तालाब में मछली पल रही थी और मवेशी भी डूबे रहते थे। वहीं कपड़ा धोना, नहाना अनेकों काम हो रहे थे, वही पानी ग्रामीण पी रहे थे। इस खबर को जब मीडिया ने दिखाया तो स्थानीय प्रशासन की पूरी टीम दाऊद बासुदा के आदिवासी टपरों पर पहुंची और वहां ग्रामीणों का हालचाल जानकर पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए ग्रामीणों को मंदिर के ट्यूबवेल से लाइन डालकर ग्रामीणों को पानी पहुंचाया गया और 24 घंटे के अंदर ट्यूबवेल लगाने की बात कही गई। लेकिन 6 दिन बीतने के बाद भी अभी तक स्थानीय प्रशासन ने वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं की है। पानी मिल रहा है? अच्छा पानी अच्छा मिल रहा है, मिल रहा है, मगर अच्छे से पूर्ति नहीं हो रही। अच्छा उसमें कमी है। कैसी कमी है? कभी मतलब लौट आ गई तो 2-4 डब्बे मिल जाते और नहीं यहाँ तो वो फिर वो गंदा को पी। अच्छा अच्छा परेशान नहीं हो रहा? तो अभी पानी की समस्या मिट्टी नहीं है? मिट्टी नहीं है। अच्छा अच्छा, प्रशासन के लोग आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जी आए थे तो कहे तुम्हें 2-4 दिन नहीं चलाओ जब तक हमारा है। हाँ अभी तक नहीं लग रहा। कितने दिन हो गए जब से आए हैं? 5-6 दिन हो गए। अच्छा तब से नहीं आप कोई नहीं आया? क्या मांग करते हैं अब आप? जो इच्छा है कि नल लग जाते हो पानी की व्यवस्था बन जाए। अच्छा टंकी नहीं है गांव में? टंकी टंकी बहुत खाली है, वो तो लेकिन भी नहीं भरा नहीं है। अच्छा हरी ने चली अब दादा, टैंकर कब से नहीं आया? टैंकर तो घर में 2-3-4 दिन कोई नहीं। अच्छा तो भर के आओ। कब से आया? डेली नहीं आ रहा? डेली पानी की विकराल समस्या है, डेली नहीं आ रहा क्या? चलिए ठीक है ठीक है। हल जी हो सकता है कि हमने भी प्रयास किया सर, जो जनता भी प्रयास कर रही है। आज गंदा पानी जैसे मच्छी लेटरिन भी है उसमें, व्यवस्था खराब भी है पानी, फिर भी ये पी रहे हैं। फिर इसके बाद में कोई मीडिया है, मुझे पता नहीं, कोई पत्रकार लोग आए, न्यूज निकारी, इसके बाद एडीएम साहब खुद आए यहाँ पर, नई बस्ती जो बसाई है सरपंच भैया राम यादव ने, ठीक है, आकर बेखुद कह के गए थे कि हम 24 घंटा में मशीन भेजा दें। ठीक है, मैंने फोन लगाया कि सरपंच साहब अभी मशीन हमें मिल नहीं रही। हाँ बस इतनी बात मेरी साहब से वही है कि के आगे कोई बात नहीं। कितने दिन हो गए और अभी तक मशीन आई कि नहीं? बोरवेल लगा कि नहीं? 5 दिन हो गए अभी तक कोई नहीं है, कोई मशीन नहीं। अच्छा पानी की पूर्ति कैसे हो रही है? पानी की पूर्ति टैंकर हम भर रहे हैं, हमारा बालक खुद से हम भर के आता है। यहाँ एक मंदिर के सामने बस्ती के सामने नल लगा है, खुद पीएचई ने सटक भिजाई, पीएचई से आदमी आया वो जोड़ के यहाँ छोड़ के चला गया। अब महाराज जी खुद अपने हाथ से डोरी जोड़ते हैं, इनको पानी पिलाते, मैं भी आ जाता हूँ, मेरा बालक भी आता। ग्रामीणों का कहना है कि एक दिन टैंकर आया है, इसके बाद नहीं आया। हाँ टैंकर खुले खाली है, लाइट ना होने के कारण मैं टैंकर नहीं भर सकता। ठीक है, 7 दिन में एक भी बार टैंकर नहीं भरा क्या? एक बार कह रहा है, एक बार मिला है। आपके ग्रामीण कह रहे हैं सरपंच साहब, हम एक बार टैंकर भरा है, आप ग्रामीणों ने बोला है जी, चलो एक बार मैंने भरा है, 2 ड्रम से ज्यादा नहीं मिल रहा है ऐसा कहते हैं ग्रामीण बता रहे हैं। चलो उनकी मान लो, ठीक है उनकी मान लो, मैं आप कुछ नहीं कह रहा। नहीं आप बताओ। नहीं नहीं कह रहा हूँ ना मैं, इतनी अंधी चले हैं जो लोग झूठ बोलेंगे। कैसे झूठ बोलेंगे, आपके सामने ही तो हैं सरपंच साहब। तो आप क्वाइट क्यों कि मैं 2 ड्रम पानी भरवा रहा हूँ? आप ये बताओ ग्रामीण टैंकर मैं खुद भर रहा हूँ, मैंने खुद भरा टैंकर, मैं कहाँ से भर दूँ कि मैं बोर बन जाऊँ, क्या मैं इंजन बन जाऊँ, मैं लाइट बन जाऊँ साहब, जब लाइट नहीं है ये कह रहा है 2 ड्रम। चलो 2 ड्रम में मार रहा, 2 ड्रम पी रहा जी। ठीक है अब मैं कुछ नहीं कहना। चलिए थैंक यू सर। क्या नाम है आपका, पद बता दें सर? भैया राम यादव, सरपंच ग्राम दाऊद, ठीक है पंचायत गंजवा। ठीक है ठीक, थैंक यू।